गुड। डंडा छोड़ के हमारे उल्लू के पट्टे बोलते हैं, बकरी के पट्टे। हम लोग पहुंच गए हैं जीवई से आगे। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी आज सुबह के 9:30 हो रहे हैं और तो चलिए फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा और जुले आप सभी को मेरा। तो होप आप सबके साथ एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त है। तो अभी आज भी मस्त सी धूप खिली हुई है और अभी हम लोग रेडी हो रखे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे भी, पुनीत आज सुबह जल्दी चले गया था तो हम उसके लिए यहाँ से नाश्ता लेके जा रहे हैं। हमने कहा चलो बैजरो भी होके आ जाएंगे, वो कहाँ यहाँ वापस आएगा तो हमने हम ही चलते। और इन जनाब ने सुबह अभी हम जा ही रहे थे कि इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने अपनी बाइक की चाबी, तेल की चाबी, ये तो एक चाबी तो है, छोटी वाली चाबी पता नहीं उधर ही रहेगी होगी और उधर ही होगी, किसी ने निकाल दी होगी, तेल गया तो सब गया। क्या होगा फिर, तेल का लॉक तोड़ना पड़ेगा। पैदल नहीं नाश्ता उसके लिए, हाँ पराठे उसमें, और किसके साथ खाएगा? अच्छा डॉक्टर जी अच्छी दुकान दो मुझे। ठीक है तो चलो आज हम आपको बैजरो दिखाते हैं। मैं तो हमेशा ही दिखाती रहती थी, आज तो ये दिखाएंगे अपने ब्लॉग में बैजरो, है ना। तो लेके आए वो यार जिम्मी, और जिम्मी पता क्या है अभी सुबह सुबह जिम्मी दिखा था और हम पे वो घुर घुर करने आ रहा है। तुम मुझे नहीं देखे ना, जिम्मी नहीं बोले बस। हाँ तुम सीधा सीधा निकल जाओ, तू आना नीचे, तेरा पाचन भी हो जाएगा। देखो भाई हमारे खेत खाली करने में बिजी हो रखे। अरे वाह यार, हेलो भैजी, और ये था देखो किरण लक्ष्मी और का घर। अभी उसके दादा दादी रहते हैं यहाँ पे, किरण लक्ष्मी और चले गए अपने नेपाल क्योंकि अब किरण की पढ़ाई शुरू करनी थी ना, उन्होंने उसका स्कूल चालू करना था। अगर वो यहाँ स्कूल डालते तो उनको यहाँ पे बहुत लंबा रहना पड़ जाता, तो इसलिए वो अभी चले गए क्योंकि भैया जा रहे हैं अब बाहर जॉब करने के लिए, तो वो उनको गाँव छोड़ देंगे। वहाँ देखना टमाटर के हरे हरे उड़के और जिम्मी हमारा इंतजार कर रहा होगा कहीं पर चल रहे हैं। और जिम्मी की वजह से मम्मी हमको यहाँ गेट तक छोड़ने आ रही है, पर जिम्मी यहाँ दिख ही नहीं रहा है, बेचारा नीचे ही होगा। नीचे होगा तो सीधे निकल गए तुम जिम्मी। देखना जिम्मी से। हाँ यार वो काट रहा, तो बधाई हो चाबी यहीं पे ही है, यहाँ पे ही लगी हुई है इनकी चाबी, परसों ले जाना ही भूल गए। तो अभी हम लोग चल रहे अपनी दुकान की तरफ को, ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पे ही है पंचपुरी में। तभी इधर ही तो ये है हमारी छोटी सी शॉप, पापा जी भी अभी यहीं पे ही है, पुनीत भी दरी है। तो अभी यहाँ पे पूरी रोड ना खुद रही है बैजरो की क्योंकि पूरा नया बन रहा है यहाँ पे, पूरा सीयूसी से भी नया बन रहा है। तो बैजरो हमारे यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है। अभी हम लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको चाची जी मिल गई, तो अभी गाड़ी तो पता नहीं कब तक आएगी यहाँ, तो हम लोग चाची जी को भी अपने साथ ही लिया है, वो सफाई चल रही है यहाँ। तो अभी हम लोग ना बैंक में आए थे क्योंकि मेरा एक अकाउंट बंद हो रखा था उसको खुलवाने के लिए, तो अभी मैं आई हूँ फोटोकॉपी कराने के लिए। इसकी शॉप पे इसको तो पता ही होगा, इसको एक बार थप्पड़ मारा था मैंने, लोगों ने बहुत कमेंट किया था तुमने अपने दोस्त की बेइज्जती कर दी। सौरभ क्या ले, सुष्मिता का भाई, कब आया जो मेरी शादी में आई थी ना सुष्मिता, उसका भाई। और बता, बस बढ़िया। मैं सुष्मिता की दुकान से ना आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। कभी हम जब स्कूल में थे ना तो हम यहाँ पे ना वो खिंचाते थे क्या, पासपोर्ट साइज फोटो खींचती थी हमारी, और अभी यहाँ से व्यू देखो। और ये हमारा स्कूल है नदी किनारे, उधर वो जो गांव दिख रहा है ना उसका नाम है हल्दड़ू। जो मेरी मौसी है ना जो पीरूमदारा में रहती है, अमन जो दिखता है डांस वीडियोज में अक्सर मेरे साथ रील में, तो उनका घर यहाँ है। उस साइड है पल्लीछाल बोलते हैं वहाँ को, तो वहाँ सरकारी हॉस्पिटल है बैजरो का, और उधर तलाई है, फिर उसके उधर और गाँव भी लगते हैं बहुत सारे। और ये है सुष्मिता का डॉगी, बैजरो मार्केट में घूम रहे हैं, पर बैजरो मार्केट एकदम खाली खाली हो रखा है। अभी हम लोग का बैंक का काम भी सारा हो गया है और अभी हम लोग का अचानक से प्लान बन गया कि काम जल्दी हो गया कि जो चाची जी हमारे साथ आई थी ना उनके मायके की तरफ को चलते हैं कि घूम के आ जाएंगे, दिन तक खाना खाने तक घर पहुंच जाएंगे हम लोग। तो अभी हमने ना तोलियो क्रॉस कर लिया है, बैजरो के बाद पड़ता है तोलियो, और अभी हम लोग पहुंचे हैं कुंड गाँव में, और ये उन लोगों की खेती है इधर, इसमें से कोई तो मेरे दोस्त का घर होगा। और वो जो आगे गाँव दिख रहा है ना वो उसका नाम है सुकई, ये रोड ये सुकई गई। अच्छा यहाँ रोड चलेगी सुकई गांव में, वरना यही वाली रोड थी तो लोग यहीं से चढ़ाई चढ़ के जाते थे। बट यहाँ लोगों ने साग सब्जी अच्छी उगा रखी है ना, सब बैजरो जाना चाहिए। ये है सुकई गांव का गेट और ये है मंदिर, यहाँ पे एक और मंदिर था ना। हाँ और ये देखो जैसे आपको कुमाऊं में दिखते हैं ना, जब मैं दिखाती हूँ कि वहाँ जंगल जंगल दिखता है स्टार्टिंग से रोड के ऊपर से, पर यहाँ नहीं है इतना जंगल से,
यहाँ पेड़ ऊपर ऊपर रहते हैं और आजकल बरसात खत्म ही हो गई है लगभग, तो धूप आने लग गई है तो मौसम एकदम मस्त हो रहा है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं जीवई से आगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा झरना बोल सकते हैं ना, गौड़ी छिड़ा है यहाँ पे इसका नाम, ये है वो जगह। तो जब बरसात का टाइम रहता है तो बहुत भयंकर आता है, यहाँ पे देखने में डर भी लगती है। ये हमारे इलाके का सबसे बड़ा झरना है, ज्यादा ऊपर से नहीं गिर रहा है बट छोटा है बट बहुत बड़ा है। तो आगे जो ये पूरा रोड का निर्माण हो रहा है, आगे पुल भी बन रहा है, तो वहाँ जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने अपनी झोपड़ियाँ बनाई है यहाँ पे देखो, और वो लोग नीचे बच्चे छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं वहाँ पे, मस्त यही लाइफ है भाई, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मस्त लाइफ है। हेलो हेलो भाई, बच्चे कितने निडर हैं देखो, वो तेरे पानी में जा रखे। तो ये देखो थैलीसैंड, और इधर है कुलिंडा गांव जिसके लिए पुल बन रहा है, तो वहाँ लोगों ने देखो अपनी झोपड़ियाँ बना रखी है, जो लोग यहाँ रोड पे काम कर रहे हैं भैया लोग जो भी है, वो देखो कितनी झोपड़ियाँ बनी ऊपर। उधर है पनो गांव, तो अपनी अपनी गायियाँ सबने चराने छोड़ी होंगी, तो इधर है अभी भाई गोरू ले जाओ रे। तो आज फर्स्ट टाइम मैं गरसारी पहुंच गई हूँ। चलो चाची जी के घर पे, जो मेरा प्लान शादी से पहले बन रहा था, शादी से पहले एक दिन चाची जी ने मना कर दिया, काम था, एक दिन मैंने मना कर दिया, और फिर आज हम तीनों के तीनों साथ है, मतलब इनके साथ लिखा था मेरा आना यहाँ पे। हेलो मर्च टिपना छे सब खेतों से आगे, वही तो सारी मिर्च सूख रही है इधर, दाले भी है, वो जो कल मैं तुमको खिला नहीं रही थी फले वो है। और इधर बना है चाची जीर का घर, ये देखो, ओहो भंगुल हुई यक्त मैं है एक दिन में खान भंगुल धैर दिया। अभी इधर पापा जी ने ठेका लिया था, तो पापा जी मकान बना रहे थे, तो चाची जी और का ही मकान था, तो ये देखो ये बना है, वो नाइस बढ़िया यार, बढ़िया एकदम बढ़िया। ये चाची जी का माइका है, तो यहाँ नाइस टाइल्स तो अच्छी लगाई है, ये किचन सेट, और एक रूम देखो इधर है, वाव नाइस। क्योंकि जो भैया के भाभी लोग हैं ना वो यहाँ पे रहते हैं नहीं, तो उन्होंने कभी घर में आने के लिए ऐसे मकान बना दिया है यहाँ पे, और यहाँ से गांव का व्यू, थाड़ा देखना अच्छा है ना, खुला खुला भी ऐसे अलग से एकांत में बिछा सकते हैं, पता है हाँ। जो छतों में पत्थर लगे ना वो पत्थरों को इनमें नीचे भी बिछा सकते हैं, सीमेंट में बिछा के मस्त लगेंगे वो डिजाइन वाइज। चलो होम स्टे बनाते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे चाची जी का भतीजा ही मिल गया हमको, हेलो इन्हें देखिए, हेलो शर्माणु के ऊपर। तो ये था चाची जी और का नया घर जो बन रहा है, और अभी हम लोग चलते आगे की तरफ को, नीचे हम लोग नदी की तरफ को जा रहे हैं ऐसे घूमते फिरते। अभी गांव का एक काम दिखाती हूँ, मुझे भी इस काम में बहुत मजा आती है, कूटा कूटा चप्पल ले गया जो क्या अच्छा झुंगर है नहीं बढ़िया कूटा कभी हम अपनी नानी के यहाँ जाके करते थे वही ऐसे, बस यार जाओ तुम भी कूटो जाओ चाचा अब पूनम कूटेगी झुंगर, झुंगर बहुत होता है यहाँ पे, ये गुड डंडा छोड़ के पीछे भूला को मत मार देना, बच के रहियो रे खैर आ गए रे पूनम थक गई मजा आया
चलो चलो चलो, ये देखो ऐसे, ये देखो घर कैसे छोड़ रखे हैं लोगों ने। ये टिपिकल गढ़वाल के गांव। ये देखो मैं कैसे मिर्ची सूख रही है। पूनम और मैं आ जाए हैं गांव के भ्रमण में, घर सारी वो भी। घूमा अपना गांव ही नहीं घुमाया तुमने अभी तक। नमस्कार नमस्कार बुबा नमस्कार। ये लो, अभी मैं झूंगर की दह करके आ रही हूँ, मतलब उसको कूट के आ रही हूँ, क्योंकि धूप में उसको सुखाते फिर गरम गरम कूटते हैं ना, इसलिए मुझे मौका मिल गया आज कूटने का, बहुत टाइम बाद। वरना हम कभी जब नानी के घर जाते थे तो वहाँ कूटते थे, बट जब से नानी जी और गए तब से सब ऐसे ही हो गया, चूड़े खाने को भी नहीं मिलते तब से जब से नानी जी और गए। चलो यहाँ है छन्निया दी, ये दिखी। हमारे गांव की एक चाची, उनका मायका भी दरी है। और ये देखो भट्ट, भट्ट रखे हैं यहाँ। हाँ ये तो इस पैसा छन्नी देखने के लिए आया है, क्योंकि इनको यहाँ की छन्नियाँ बहुत अच्छी लगती है। छन्निया बोले तो जिनको आपके यहाँ गोठ बोला जाता है, गौशाला, ग्वाड़, हाँ, तो हमारे यहाँ उनको छन्नी बोलते हैं, जिनमें गाय भैंसों को रखा जाता है। ये देखो इनकी इच्छा पूरी होगी गोठ देखने की यहाँ की। और ये है जो घास बांध के रखा हुआ है, जिसको हमारे यहाँ पलकुंड बोला जाता है और खुम्ब भी बोला जाता है। तो जो अभी असूस के महीने में सब डांडों से घास काट के लाते हैं ना, तो उसको सुखाते फिर ऐसे बांध देते ताकि वो ठंडियों में काम आता है। फिर बड़ा वाल छिपोर्चो जैसे उल्लू के पट्टे, हमारे उल्लू के पट्टे ही बोलते, बकरी के पट्टे नहीं बोलते। कुछ मर रखा है यहाँ, ये देखो छन्ने के ऊपर क्या कद्दू लग रहे हैं। और यहाँ पे है पुलिये को, पुल कहाँ जाता है? अच्छा कोलिंडा खंड, जान जो पुल लकड़ी सांगो था ना, तो हम लोग आ गए घर सारी के पुल पे। ये देखो मेरा नदी में नहाने का मन कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखो नदी किनारे सारे अखरोट के पेड़ लगे हुए हैं, सभी ने भी खेतों में काम करके लूटे से बांध दिए यहाँ पे, जितना भी अनाज निकाल दिया होगा उसके बाद लूटे बांध दिए यहाँ पे खेत में। फोटो लेनी तुम्हारी, मजा आ गया तुमको हा? तो अभी हम लोग बस इधर से निकलेंगे, पापा जी भी यहाँ पे सामान लेके पहुँच गए हैं, क्योंकि अभी काम नहीं हुआ, दाही हुआ है, खिड़कियों में शीशे लगने बाकी है। पापा जी इधर बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे। पापा जी पहुँच गया, आपकी स्कूटी वही जी वही में ना, आप यहाँ से किस में जाओगे? नमस्ते। अच्छा ये देखो बच्चे आ गए स्कूल से। हेलो। और अभी हम लोग वहां से गरसारी से निकल गए हैं, जीवई में पहुंच गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ, कल रात को ना बहुत तेज बारिश हो गई थी, तो पापा जी अपनी स्कूटी यहीं छोड़ गए, फिर जो हमारी बुआ के बेटे ना वो आए थे पापा को घर तक छोड़ने के लिए, देखो। और अभी हाँ अभी पापा जी वहाँ से टैक्सी में आएंगे, फिर यहाँ से स्कूटी लेके आएंगे। देखो बच्चों की छुट्टी होगी, पूनम भी चिल्ला रहे पीछे से। हाँ बच्चे ये देखो चढ़ाई चढ़ाई किलो। तो अभी बज रहे दिन के 1:30, हम लोग गांव की चढ़ाई चढ़ रहे, बड़ी मुश्किल से पहुंच गए हम यहाँ पे। खैर खैर मतलब होती है थकान लगना, और बहुत गर्मी हो रही है भाई, वहाँ ठंडा है यहाँ गर्मी है। गर्मी क्यों है पता होगा ना आप लोगों को, मैंने 10 बार बता दिया। हाँ चीड़ के पेड़ पहाड़ों के लिए खराब है, अभिशाप है, अभिशाप चीड़ के पेड़। बांज के पेड़ होने चाहिए और काफल के पेड़ होने चाहिए, बुरांस के पेड़ होने चाहिए। इनके वहाँ इतनी सब्जी होती है, इतनी सब्जी होती है, सब्जी छिन्नी वाला जिमी।
तूने हमको भगा दिया मैंने, अब यहाँ से चल भाग भाग भाग। कहाँ से थक रखी तू, पहाड़ की लड़की होके ऐसे कर रही है। चल चल चल, मैं भी भाग रहा हूँ और आप लोग भी भागो जो जो व्लॉग देख रहा है इसके साथ साथ। खैर आ गई, इसको थक गई। अभी पापा को वहाँ से टैक्सी नहीं मिली है तो पापा जी गरसारी में ही बैठे हुए। मैंने बोला था पापा को ये छोड़ देंगे, हम तब तक पैदल आते फिर हमको लेने आ जाते हैं। पापा ने कहा नहीं नहीं चलो तुम, मैं आता हूँ। हाँ चलो, यहाँ पे आ गए, मुझे किरण लक्ष्मी की याद आती है। आ रही है, अभी तक वो बाहर आ जाता मुझे देख के। किरण दोनों चलो 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 ये किरण लक्ष्मी लोग का घर। हम लोग घर पहुंच गए, देखो ऊपर गांव है, इनका घर अलग से नीचे। किले किले पहुंच गई, क्या बोल रही है? हम घर से चल गए थे तो चलो भाई अभी दिन के 2 बज गए, हम लोग घर पे पहुंच गए। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, 1 2 3 ठीक है। आज मैंने बहुत टाइम बाद दें करी, वो भी किसकी, क्या था वो, ये तो बहुत ही लंबा व्लॉग बन गया झुंगल का। तो आपको मजा आया होगा, ऐसे ही दें करते हैं, मतलब उसको जो उसका पौधा होता है ना उससे सुखाते फिर निकालते, तो ऐसे डंडे से कूट कूट के निकालते उसको, तब उसको छानते। तो चलो फिर बाय बाय, मिलेंगे आपको आगे वाले व्लॉग में।